हेलो दोस्तों, एमजी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का अलंकार चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलो दोस्तों, दिस इज एमजी कैंपस। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। जो अलंकार दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार। शब्दालंकार को भी हमारे पांच प्रकार में डिवाइड किया गया, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, बीप्सालंकार। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, सारे अलंकार हमने एक पास लिख लिए हैं और उनके सारों के सभी के उदाहरण एक साथ करेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पे व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो। ध्यान रहे, केवल व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो, स्वरों की नहीं। यमक अलंकार, एक ही शब्द जो दो या दो से अधिक बार आए उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं, यमराज जितनी बार आएगा उतनी बार एक नए आदमी को लेके जाएगा, यानी यमक अलंकार। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए उसका अर्थ हर बार भिन्न हो। श्लेष अलंकार, एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, अनेक अर्थ दे, उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष, आप खुद सोचिए, श्लेष आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि विशेष आदमी जो होता है वो एक ही समय पर दो तीन काम कर सकता है। उसी तरीके से आप इसे श्लेष को याद रखें कि एक ही शब्द आए लेकिन वो दो या तीन अर्थ दे या अनेक अर्थ दे, इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। वक्रोक्ति, बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसे भिन्न कोई दूसरा अर्थ लगा दे। वक्रोक्ति, बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न आशय दूसरा अर्थ लगा ले। जैसा हमने देखा है कि हमसे कोई प्यार में कुछ कहता है लेकिन हम समझते हैं गुस्से में कह रहा है। बीप्सा, अत्यंत आदर के साथ एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति, और हम कह सकते हैं मनोभावों को प्रकार करने के लिए शब्द दोहराना। एग्जाम्पल, आहा, छिछी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो। अब हम एक एक करके सभी के एग्जाम्पल देखेंगे शब्द अलंकार के। अब दोस्तों, एक एक करके हम हर एक अलंकार के उदाहरण देखेंगे। जितने भी अलंकार हैं उन सभी के उदाहरण, जो मेन इम्पोर्टेंट हैं, जो अब तक आए हुए हैं, सीटेट, यूपीटेट, यूपीपीसीएस, जितने भी एग्ज़ाम हैं, मोस्टली सभी एग्ज़ामों में यहाँ से इकट्ठा किया गया है। और आप देखें, जब आपको देख यहाँ से पढ़ने के बाद जब आपको देखेंगे कि हर एक एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ से कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा एग्जाम्पल आपको नहीं मिला। तो स्टार्टिंग करते हैं अनुप्रास अलंकार से, जिसकी पहचान होती है व्यंजनों की बार बार आवृत्ति। जहाँ पे व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। यानी देखें, यहाँ पे का 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 इसकी आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, छोटी है गोटी या चोटी अहीर की। आप देखें यहाँ पे टी 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 यानी टा 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 की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर बिख खिलते हैं। आप देखें यहाँ पे सा शा शा यानी शु 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 की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हत्री है, भय निवारणी शांति कारणी सुख कत्री है। यहाँ पे देखें आप नी नी त्री नी नी इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। विमल बाणी ने बाणी ली कमल से कोमल कर में संप्रीत सप्रीत। यानी यहाँ पे आप देखें तो बा 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 इसकी आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तरणी तनुजा तट तमाल बहु छाए, यहाँ पे देखें आप ता 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 की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। बूंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरभि सुभास सरस अनुरागा। यहाँ पे आप देखें शा 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 की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जो खग हो तो बशेरो करो मिलो मिली, जो खग हो तो बशेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारना।
यहाँ पे आप देखें का, इसकी आवृत्ति हो रही के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कूंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अणेन, यहाँ पे आप देखें कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे दो ही वर्ड हो रहे हैं, दो वर्ड की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे ये है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है आपको दिख रहा है, मामा की आवृत्ति बार बार के कारण अनुप्रास अलंकार है। राम रमापति कर धेनु लेहु, यहाँ पे आप देखें रावण की आवृत्ति बार बार है इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब यमक अलंकार, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, यानी यमराज जितनी बार आएगा उतनी बार एक नया आदमी लेके जाएगा, यानी यमक अलंकार। खग कुल कुल श बोल रहा है, यानी खग आप देखें तीन कुल 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 आए, इनका तीनों का अर्थ भिन्न है इसीलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। आपको एक डाउट हो सकता है कि भाई यमक अलंकार और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार क्यों नहीं है, कि यहाँ पे ये का जो है ये भी तो व्यंजन ही है। तो आप ध्यान रखें व्यंजन जो आएगा वो भी अलग अलग में ही आएगा। जैसे आप देखें सुरभित सुंदर सुखद सुमन, यहाँ पे देखें आप सुरभित है, सुंदर है, यहाँ पे सुखद है, यहाँ पे सुमन है, जहाँ पे भी आपको एक से वर्ड दिखें तो आप वहाँ पे 100% नहीं 99% वहाँ पे यमक अलंकार ही होता है। ठीक, कनक कनक ते शौकुनी मादकता अधिका है, या खाए बैरात नर बापाए बैरा है, यानी कनक कनक दो वर्ड आ गए, दो वर्ड पूरे दो शब्द जहाँ पे सेम आ जाते हैं दो या तीन, तो उनका तीनों का भिन्न अर्थ होता है तो वहाँ पे हमेशा यमक अलंकार होता है। या मुरलीधर की आराधन, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, यानी अधरान अधरान इन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, यानी तीन बेर तीन टाइम खाती है, इन तीन तीन बेर का खाती है थी तीन बेर खाती है। आप इसे देखें तीन बेर दोनों बार आ रहा है, लेकिन तीन बेर यानी तीन टाइम और यानी तीन बेर यानी तीन बेर। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे एर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर। अब देखें ये रणित भ्रंग घंटावली झरित, दान मधु नीर मंद मंद आवत चलियो कंजुरु कुंज समीर। जहाँ पे भी मैंने कहा वर्ड बार बार आपको सेम दिखा वहाँ पे यमक अलंकार होगा। जैसे मंद मंद तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी दूबी थी हमारी ताल में, यहाँ पे देखिए तरणी तरणी दो सेम है, पूरे शब्द जब सेम होते हैं तो वहाँ पे यमक अलंकार ही होता है। तो पर बारो उर बसी सुन राधिके सुजान, तो पर बारो उर बसी सुन बारिके सुधान, काली घटा का घमंड घटा नव मंडल तारक ब्रंद खिले। काली घटा घमंड घटा, अब देखा काली घटा काली के लिए किस, काली किस वर्ड के लिए यूज़ किया गया, घटा के लिए, इधर घमंड किसके लिए यूज़ किया, घटा, यानी दोनों वर्ड का काली घटा घमंड घटा, इन दोनों घटा घटा का जो वर्ड है मतलब है दोनों जगह भिन्न है। भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो ना रुको एक ओ बार, भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो ना एक ओ बार, दूरी भजन जाते कहो सो तू भज्यो गवार। यानी आप देखें भज्यो भज्यो जो भी मैंने कहा, जहाँ पे भी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है पूरे शब्द की, वहाँ पे यमक अलंकार ही होता है। कहे कवि वेनी वेनी बयाल की चुराई लेनी, रति रति शोभा शव रति के शरीर की। आप देखें यहाँ पे बेनी बेनी रहा, रति रति, पूरे शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है इसीलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप आसानी से बाद में याद रख सकें। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, जहाँ पे एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति शोए, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति शोए, विमाता बन गई आंधी भयावह, विमाता बन गई आंधी वहावह, हुआ चंचल ना फिर भी श्याम धन वह, को घटी रे ब्रश भानुजा वे हलधर के वीर, मधुवन की, आपके समझ में आया, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, मंगन को देखी पट देर
बार बार है। चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहु ओर, सुवरण को ढूंढत फिरत कवि व्यविचारी चोर। यानी आप देखें कहीं ना कहीं आप एक ही वर्ड होगा जिसके बहुत जगह दो से तीन अर्थ होंगे, जैसे कुल है, यहाँ पे कुल का अर्थ यहाँ पे कुछ और हो सकता है, दो अर्थ दे सकता है कुल कपूत गति शोय। और भी वर्ड हैं, हम हर वर्ड का मतलब नहीं ध्यान रख सकते हैं। हमें ये समझने के साथ साथ थोड़े दो चार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये याद हो जाएंगे। अब वक्रोक्ति अलंकार, बात किसी एक आशय से की जाए, बात किसी एक आशय से की जाए और सुनने वाला उससे भिन्न अर्थ लगा दे, वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। एग्जाम्पल, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्री फिर क्यों परकत पाए। आप देखें यहाँ पे बात किसी और से की जाए, बात किसी और आशय से की जाती है, सुनने वाला किसी और अर्थ को समझ लेता है। इसे हम डायरेक्टली वैसे ही समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ रहा होगा। कैसे सूदी बात में बरतत ढेणो भाव, वक्रोक्ति ताशो कहे सही सवे कविरा है। ईजिली था, ठीक है। बीप्सा अलंकार, जिसका जहाँ पे हमने बीप्सा के पहले भी हमने देखे, बीप्सा अलंकार के एक और बार देखते हैं। बीप्सा अलंकार, मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द दोहाना, यानी अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, जैसे हा हा, छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो, जहाँ भी दो वर्ड एक साथ एक ही साथ आ रहे हैं वहाँ पे बीप्सा अलंकार होगा। लेकिन हमें ये और ध्यान रखना है, आवृत्ति किसके लिए होनी चाहिए, मनोभावों को प्रकट करने के लिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, आहा इन्हें रोकन को, आहा इन्हें रोकन को टोकना लगावे तुम, यहाँ पे बीप्सा अलंकार होगा। अब हम करेंगे उपमा अलंकार। उपमा जहाँ पे तुलना होती है, जहाँ एक वस्तु से प्रसिद्ध वस्तु की तुलना हो, उपमा अलंकार कहलाता है। सुगम मोन सर सिरुह लोचन, यहाँ पे आप देखें तुलना हो रही है सुमन मोन सर सिरुह लोचन से। पीतर पात सरिस मन डोला, आप देखें यहाँ पे जो तुलना होती है वो अभेद होती है, जहाँ पे भेद नहीं हो सकता, यानी पीतर पात सरिस मन डोला, यानी पीने के बाद मन डोला अभेद होता है, जैसे चंद्र सा मुख, यानी मुख जो है चांद सा है, अभेद है बिना बिना भेद के। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमी जनक सुतावरम, अति मलिन बिरस भावनु कुमारी। जहाँ पे भी मतलब एक उससे तुलना होती है और बिना भेद के होती है, बिना भेद के। दिव शावशान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, आप देखें सीधे तुलना हो रही है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, आप देखें मखमल से झूले से हाथी के टीले की तुलना हो रही है। पात नवसा बहुत नीला शंख जैसे, यहाँ पे आप देखें तुलना हो रही है अभेद के, नीला शंख भी कह रहा है बिना भेद के कह रहा है। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा सील है राम महीप का। हरिपद कोमल कमल रे, हरिपद कोमल कमल रे, यहाँ पे आप देखें हरि के पदों की कमल से तुलना हो रही है, बिना भेद के हो रही है। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख थी ढेरी, आप देखें यहाँ पे तुलना हो रही है फूल सी कोमल बच्ची की राख की ढेरी से, तुलना हो रही है। यह देखकर अरविंद से शिशुव्रत कैसे सो रहे हैं, यहाँ पे आप देखें तुलना हो रही है। नदियाँ जिनकी यशधरा सी बहती हैं अब भी निशिबाशर, तुलना हो रही है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, यहाँ पे आप देखें तुलना हो रही है। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, यहाँ पे आप देखें तुलना हो रही है। रूपालंकार, रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का संभेद आरोप होता है। चरण कमल विंदो हरी राई, चरण
कमल बिंदु हरि राई, जहाँ पे एक तरीके से रूप की प्रशंसा होती है वहाँ पे भी रूपक अलंकार होता है, इजीली हम समझ सकते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद खिलौना लाहो, मैया मैं तो चंद खिलौना लूंगो यानी लहो। कृष्ण जी कहते हैं माँ से कि माँ मैं तो चंद्र खिलौना लूंगो, यानी रूप की तुलना, रूप की प्रशंसा कर रहे हैं चंद्रा की। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। ये तेरा शिशु जग है उदास, रूपक अलंकार। उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, यहाँ पे आप देखें रूप की तुलना, रूप की प्रशंसा हो रही है रूपक अलंकार। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख कमल समीप सजे थे हो किसले दल पुइन के, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना हो, पहचान इसकी मनु मानो मानो जनु जानो कहीं भी आ जाए तो वहां पे मोस्टली उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। एग्जाम्पल, रहीमन पुत्री श्याम मनु जलज मधुकर लसै, यानी देखिए मनु आ गया यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। उस काल मारे क्रोध के तनु कापन उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे आप देखें शोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप परियोग प्रभात, यहाँ पे आप देखें मनु आ गया। अतिशयोक्ति, किसी वस्तु पदार्थ कथन उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए वहाँ पे, जो कि असंभव हो, असंभव भी होता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। एग्जाम्पल, भूप सहस दस एक ही बारह लगे उठावन तरत ना तारा, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मुदर दी ऐसे। आप खुद सोचें ऐसे वर्ड होंगे यहाँ पे अतिशयोक्ति, इतनी असंभव होगा ऐसा कर पाना। बोलों को खोलकर बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में सूरज रास्ता भूल जाएगा। आप खुद सोचिए अगर कोई बालों को खोलकर दिन में चलेगा कि सूरज रास्ता भूल जाएगा रियल में ही, तो क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ऐसा हो सकता है, अतिशयोक्ति अलंकार। मनु हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, क्या बिना पूंछ में आग लगे ऐसा सब कुछ मुमकिन था, नहीं, अतिशयोक्ति। हाँ जैसे जय हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, ऐसा मुमकिन है, नामुमकिन है, अतिशयोक्ति अलंकार है। वह सर इधर गांडिव गुड़ से भिन्न ही हुआ, धड़ से जयथ्रत जयध्रत का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ, कैसा मुमकिन है, अतिशयोक्ति, असंभव हो वहाँ पे अतिशयोक्ति। संदेह सनी मधुवन कूप भरे, संदेह से भरे होते हैं मधुवन, असंभव है। नित प्रति पुनयोई रहे आनन ओस उजास, पात्रा ही तिथि पाइये व घर के चहु आपास, असंभव है। जब हमें दो चार बार हम पढ़ते हैं तो फिर हमें इजीली याद हो जाते हैं। अन्योक्ति अलंकार, अब प्रस्तुत, एक मिनट बैठ, अन्योक्ति अलंकार अब प्रस्तुत। उपमान के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन हो, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास इन्हीं काल, अली कली हो शो बंधे हो आगे कौन हवाल।
जिन जिन देखे वे कुसुम गई शुभित बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अन्योक्ति वे ना यहाँ नागर बढ़े दिन आदर तो आव, फूलो अनफूलो भयो गवई गाँव गुलाव, गवई गाँव गुलाव। स्वस्थ सुकृत ना रम्र सम्र, स्वस्थ सुकृत ना सम्र व्रथा, देखी विहंग बिचारी बाज पराए पानी परी, तू प्रच्छिनु ना मारी। संदेह अलंकार जहाँ पे हम इजीली पहचान लेते हैं, जहाँ पे संदेह हो। मेन चीज़ कभी कभी हमें ऑप्शन से भी एग्जांपल को टिक करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड से निकल जाती हैं, लेकिन जो मेन मेन वर्ड्स हमें याद होते हैं वो उनसे भी काम चल जाता है। ज़रूरी नहीं कि हमें सारे अलंकारों के सारे की सब कुछ पता हो तभी हम कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमें मेन मेन भी सारे पता हैं तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली हमें याद आ जाएंगे। जहाँ संदेह हो, यह मुख है या चंद्र है, संदेह है आपको ईजिली दिख रहा है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, संदेह हो रहा। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, संदेह अलंकार कहलाता है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ भ्रांति होती है, भ्रम होता है, यहाँ पे संदेह होता है, यहाँ पे भ्रम होता है। जहाँ एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, पायम महावर देन को नायन बैठी आस, फ्री फ्री जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। वृंदावन में बेहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ, सुख मौन है सोचता है अन्य सुख यह कौन है, भ्रांति होती है। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए, दीपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए, दीपक अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। बहुत बार आया है जी एग्जाम्पल, आप देखेंगे पेपर में जब आपको मालूम पड़ेगा। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नेयत ही सब बात। दीपक अलंकार। पिता मरण का शौक ना सीता हर जाने का, लक्ष्मण हाँ है शौक ग्रद में मर जाने का। जहाँ पे आप देखें, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक ही धर्म होता है, मुख और चंद्र शोभते हैं। मुख और चंद्र दोनों की बात एक ही के लिए कही जा रही है, शोभा के लिए। मुख और चंद्र शोभा बढ़ाते हैं, इसीलिए यहाँ पे दीपक अलंकार। विभावना, जहाँ बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाए, जहाँ बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाए, विशेष प्रकार की कल्पना भी कहते हैं विभावना को। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। क्या ऐसा हो सकता है, विभावना। बिना कोई कर्म करे क्या हमें फल मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता। विभावना अलंकार। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बट जोगी। क्या बिना बोले बक सकता है, नहीं बक सकता। विभावना अलंकार। विशेष प्रकार की कल्पना, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, यानी बिना उसने बोले बोल भी दिया जाए, बक भी दिया जाए। दुख इस मानव आत्मा का रे नित का मधुमेह भोजन, दुख के तम को खा खा कर भरती प्रकाश से वह मन। अप्रस्तुत प्रशंसा, जहाँ अप्रस्तुत यानी उपमान का वर्णन करते हुए प्रस्तुत का वर्णन होता है। सागर की लहर में हास स्वर्ण किरणों का, सागर के अंत स्थल में अवसाद अवाक कणों का। दूसरा एग्जाम्पल है, स्वारत सुकृत न श्रम व्रथा, देखू बिहंग बिचारी बाज पराए पानी परी, तू पछिन ना मारी।
अप्रस्तुत प्रशंसा हो रही है। एक होता है विरोधाभास, वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो, जैसे हमसे कोई हमें कोई सलाह दे और हमें लगता है कि वो हमारा विरोध कर रहा है, वास्तविक में विरोध नहीं कर रहा होता है, वो हमें सलाह दे रहा होता है लेकिन हमें लगता है कि भाई वो हमारा विरोध कर रहा है। एग्जाम्पल, भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय का, भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय का, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बड़े श्याम संग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। एग्जाम्पल एक और, रुद्रन का हंसना ही तो गान, क्या ऐसा हो सकता है, रुद्रों का हंसना ही तो गान है। आप खुश हो जाएं, विरोधाभास, विरोध का आभास हो रहा है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं हो रहा है, वास्तविक विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास हो, विरोधाभास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप बताएं कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी।